हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सनसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 32 करवा रहा हूँ। ये सोशल साइंस की क्लास 6 की 11 नवंबर की है। मंडे ट्यूसडे की मैंने वर्कशीट पूरी बना दी है, सस्पेंड भी सारे कर दिए हैं, आप आराम से देख सकते हैं चैनल पर जाकर। वेनसडे को छुट्टी है तो उस दिन कोई वर्कशीट नहीं आई थी, और आज थर्सडे तो इसकी जो वर्कशीट है थर्सडे की वो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, मैथ्स की है, वो भी बना दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है वर्कशीट 32 में जो SST की है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है ना उसके कौन कौन से लेवल होते हैं वो यहाँ में बताया गया है। ये कह रहा है प्रीवियस वर्कशीट में, अच्छा पहले ये बता दूँ कॉपी पर करना क्या है। कॉपी पर केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है, जिनको आंसर चाहिए वो वीडियो को आगे कर लीजिएगा। ठीक है, आप फटाफट देखिए। ये कह रहा है इन द प्रीवियस वर्कशीट, पुरानी वर्कशीट में वी हैड रीड दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री टू वर्क टुगेदर। ये कह रहा है कि जिस देश के अंदर गवर्नमेंट होती है ना, उस गवर्नमेंट का ये काम होता है कि सारे के सारे काम करना उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, ताकि वो एक साथ काम कर सकें और सही से जीवन गुजार सकें। जैसे वो क्या क्या करती है कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होते हैं, वो क्या क्या करती है, वो करती है आर्मी फॉर सिक्योरिटी, आर्मी की व्यवस्था करती है ताकि पूरे देश में सिक्योरिटी रहे, दुश्मन देश में ना आए, है ना। पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और देश के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा को सुलझाने के लिए पुलिस की व्यवस्था करती है। हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है, स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हो गई, ट्रैफिक फैसिलिटीज देती है, जैसे रोड हो गया, रोड बनाने का काम, रोड वगैरह बनाती है। ठीक है, रेलवे, एयरप्लेन, मतलब जो एयरप्लेन है, है ना, पोस्टल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पता ना, जो पोस्टल मतलब जो पोस्ट कार्ड वगैरह है ना, इस तरीके से बहुत सारी सर्विस आ गई है पोस्ट ऑफिस के अंदर, आप देख सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का जो काम होता है, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड फूड फॉर ऑल सिटीजन्स एक्सेट्रा, और खाने की व्यवस्था करते हैं ताकि देश के अंदर किसी पर अगर कोई कमी ना हो, कि महंगाई बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए, हर वक्त हर सामान हर जगह उपलब्ध हो, है ना, अवेलेबल हो, जितना भी गुड्स वगैरह है वो सब। ये कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। पर आपने कभी सोचा है हाउ विल द गवर्नमेंट मेक ऑल दिस अरेंजमेंट्स, कि जो गवर्नमेंट है वो सारे के सारे ये अरेंजमेंट कैसे करती है। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, पता है क्या है? हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग लेवल बना दिए गए हैं ताकि सबके काम बढ़ जाएँ और वो आसानी से कर पाएँ। जैसे एक लेवल है लोकल लेवल, तो ये जो लोकल लेवल है ये ज़्यादा होता है, लोकल गवर्नमेंट जो हमारे आसपास के जो इलाके हैं ना, ठीक है, जिस इलाके में आप रह रहे हो तो उस इलाके में सड़क बनाना या उसकी सफाई करना, आपके आसपास जो पार्क है उसकी मैनेजमेंट करना, ये सब लोकल लेवल का काम होता है। दूसरा होता है स्टेट लेवल, स्टेट लेवल में जैसे एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर का काम करना, खेती बाड़ी का, ये स्टेट लेवल का काम होता है। और ये जो नेशनल लेवल है ना, जो पूरे देश के लिए काम करती है, तो देश के लिए जैसे पूरे देश की सिक्योरिटी की पूरे मैनेजमेंट करना, ठीक है, इस तरीके के जो काम होता है ना वो नेशनल लेवल पे होते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, तो लोकल ज़्यादा बड़ा है, स्टेट उससे कम, नेशनल उससे कम, पर पावरफुल तो नेशनल ही है। मैं पावरफुल की बात नहीं कर रहा, मतलब ज़्यादा संख्या में कौन से होते हैं, लोकल ज़्यादा संख्या में होते हैं, स्टेट उससे कम, नेशनल उससे कम होते हैं, लेकिन पावरफुल जो ऊपर है वो होता है। ठीक है, ज़्यादा पावरफुल, उससे कम, उससे कम। अब देखिए बता भी रखा है लोकल गवर्नमेंट है क्या। ये कह रहा है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ये मतलब जिले के लेवल पर होती है, ठीक है, स्टेट के अंदर ये लोकल गवर्नमेंट जो होती है ये अरेंज करती है लोकल नीड्स को, जो जो आम जो हमारे ज़रूरत होती है उसे पूरा करती है। जैसे क्लीनलीनेस का काम करती है, सफाई का काम करती है, रोड की, पार्क की, या पार्क की व्यवस्था करना, जो कम्युनिटी बिल्डिंग्स नहीं होती जिसमें शादी वगैरह पार्टी वगैरह होती है, या मेले वगैरह लगाना, इस तरीके के काम करती है। ठीक है, ये प्राइमरी हॉस्पिटल वगैरह का काम करना, ठीक है, ये डिस्पेंसरी का काम करना, ये लोकल गवर्नमेंट करती है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो क्या करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है। तो इस ये जैसे बहुत बड़े जो रोड होते हैं ना, उसका निर्माण करना, एजुकेशन का काम करना, जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े उसका काम करना, और जो आपके घरों में पानी आता है, बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका मैनेजमेंट करना, ये स्टेट करती है। और जो नेशनल है ना, वो पूरे कंट्री का काम करती है। तो पूरी कंट्री में जैसे करेंसी नोट, अभी आपने देखा था ना, नोट वगैरह जो चेंज हुए, तो ये नेशनल लेवल पर होते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी कर सकती है, नहीं तो हर स्टेट का अलग अलग नोट हो जाएंगे, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऐसे रेलवे का काम है,
ठीक है, ये सारे के सारे काम कौन करती है, ये नेशनल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, दीज आर सम फंक्शन विच आर रिलेटेड टू द होल कंट्री सच एज सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, करेंसी, रेलवे सर्विसेज एक्सेट्रा, और सच वर्क्स आर अरेंज बाय द नेशनल गवर्नमेंट, और ये सारे के सारे कौन करती है, नेशनल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, आपको कॉपी पर ऐसे ही नोट करना है पूरा, और जो इसमें से ये काम अगर लोकल लेवल करता है तो लोकल पे कलर कर देंगे, स्टेट करता है तो स्टेट पर कलर कर देंगे, नेशनल करता है तो नेशनल पर कलर कर देंगे, या पेन चला देना ब्लू से। अब मैं सीधा आंसर की तो ले चलता हूँ ताकि उसी में आपको समझा सकूँ। ठीक है, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार का अपने राज्य, अच्छा आप इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश में दिखाता हूँ। देखिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसीजन टू कंडक्ट बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब वेस्ट बंगाल है ना, उसने बोला कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है ना, बोर्ड एग्ज़ाम हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th के अंदर। तो देखिए यहाँ पर साफ लिखा ही आ गया कि जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वो क्या है, एक स्टेट लेवल पे है, लिखा भी है देखो इन स्टेट, तो ये कौन करेगा, स्टेट लेवल का काम है, तो आप इस पर कलर कर देंगे। ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल ने ना डिसीजन लिया कि क्लास 8th में ना बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, तो ये पूरे स्टेट के अंदर होगा ना, ये किसी इलाके के अंदर होगा, पूरे स्टेट के, पूरे स्टेट में तो होगा, इसलिए स्टेट लेवल पर है। एक डिसीजन टू बिल्ड पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट बना रहे हैं मंगोलपुरी के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो ये क्या है, ये लोकल है, क्योंकि मंगोलपुरी के अंदर टॉयलेट बन रहा है कि पूरे स्टेट के अंदर बन रहे हैं, सिर्फ मंगोलपुरी की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये लोकल लेवल होगा। ठीक है, ये कौन करेगा, लोकल लेवल की गवर्नमेंट करेगी। अब हरियाणा गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल फार्मर्स इन द स्टेट, हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोला कि सारे के सारे जितने भी फार्मर्स हैं उनको फ्री में बिजली देंगे, तो ये भी स्टेट का काम है। और अगर बिजली फ्री देंगे तो ये थोड़ी है कि एक राज्य एक इलाके के लोगों को दे रहे दूसरे को नहीं दे रहे, ऐसा तो नहीं है, सभी राज्य, अगर हरियाणा जो स्टेट है वो सभी लोगों को देगा, अगर देगा तो, है ना, तो स्टेट लेवल पे है। एक डिसीजन टू बिल्ड ए पार्क फॉर चिल्ड्रन इन पटना, ये कह रहा है कि पटना के अंदर चिल्ड्रन पार्क जो है ना वो बनाने की बात की जा रही है, तो ये एक इलाके के अंदर बनेगा, लोकल लेवल पर ये काम होगा। ठीक है, अगर बिहार लिखा होता तो हम कह सकते थे पूरे स्टेट की बात हो रही है। अब ये कह रहा है 100 रुपये, सॉरी 1000 के जो नोट है ना वो इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, तो ये तो नेशनल लेवल पर होगा, तो इसलिए नेशनल लेवल पर आप सर्कल कर देंगे। अच्छे से कर देना, मैंने इसलिए रेड के साइन बना रखे थे ताकि आपको पता लगे कहाँ आपको सर्कल करना है, बाकी आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, खूब पढ़ें। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी मैंने वर्कशीट आपको समझा दी है, होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, एक एक चीज़ पूरे एफर्ट लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, फिर भी अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे और अच्छे से उसे मतलब जो कमियां से दूर कर सकूं और सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना बहुत है, अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।